नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करने वाले भैली भाई हैं, उनके लिए डेली मेल पे कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दी गई है, जिसमें आप लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपको आपके भी पास जीएसटीएन नंबर होना अनिवार्य है। ऐसी सूचना मिली है, चलिए उस सूचना को हम लोग जान लेते हैं लोग, और हम लोग ये भी जान लेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे जीएसटी के बारे में। कुछ सिंपल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए यूजर्स इस वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कुछ नया सीखना, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले जो मेल आई है उस मेल को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं लोग। और मेल का यहाँ पे टाइम देख लीजिए, आज का मेल है 17 जुलाई, और ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में दिया गया है। प्रिय वेली बंधु, यह आपको सूचित करना है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन से हमें खुद को जीएसटी अधिनियम के अनुसार तैयार करने की आवश्यकता है। चूंकि सभी वेली ई कॉमर्स ऑपरेटर की परिभाषा के तहत आते हैं, सभी के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है। निरंतर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कृपया तुरंत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करें और अपना जीएसटीएन प्राप्त करें। पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लिंक दिया है, ठीक जानकारी यहाँ पे। और आप यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल के लिंक ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए जीएसटी पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन कैसे आप उसको फिलअप कर सकते हैं, मैनुअल हिंदी या इंग्लिश में पा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है पूरी डिटेल में कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आप इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर अटैच हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा, और मेल आईडी भी, और आप पैन नंबर में भी जो आपके आधार कार्ड में डिटेल हो वही सेम आपके पैन कार्ड में भी डिटेल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ की प्रक्रिया दी गई है, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लें, स्कैनिंग कर लें, उसके बाद ही करें, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है कि सबसे पहले आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स में कौन सा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी दी गई है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे की जानकारी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी कोई जानकारी नहीं समझ आती है तो आप लोग कमेंट करें। सो थैंक्स। जय हिंद। वंदे मातरम।